नमस्कार, मैं आज आलू भिंडी बनाऊंगी, तो चलिए बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं कढ़ाई रख दी हूँ गैस पे और गैस चालू कर दी हूँ। और अब मैं इसमें डालूंगी एक छोटा चम्मच तेल, या तो समझ लीजिए कि एक बड़ा चम्मच। इसमें आधा छोटा चम्मच मैं डाल दूंगी जीरा। और यहाँ पे एक हरी मिर्च कट करके रखी हूँ, लहसुन थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा आलू, और यहाँ पे भिंडी कट करके रखी हूँ। तो ये देखिए, भिंडी को मैं धो के और कट करके रख ली थी। कुछ लोग होते हैं भिंडी को धोते हैं फिर कपड़े से पोंछते हैं, या तो ऐसे रख देते हैं सूखने के लिए, लेकिन मैं देखिए इसको सुखाई नहीं हूँ, इसको धो के तुरंत इसको कट कर ली हूँ। आप खुद भी देख सकते हैं इसमें पानी लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए जीरा हो चुका है, और अब इसमें मैं डाल दूंगी लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, और इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। ये देखिए हो चुका है, प्याज हो चुका है। अब मैं इसको ये आलू डाल दूंगी इसमें, आलू को थोड़ा सा इस तरह से चला लेंगे। ये देखिए आलू पका नहीं है, आलू कच्चा है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये कटा हुआ भिंडी, और भिंडी को इस तरह से चला लेंगे। और इसको इस तरह से फैला लेंगे। और ये देखिए कलछी को इसी में रख दूंगी, और इसको भिंडी को इस तरह से ढक दूंगी। और भिंडी को ढकने के बाद ये देखिए थोड़ा सा इस तरह से खुला रहना चाहिए, पूरा पैक नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि ये भिंडी में लहसुन नहीं रहेगा, अगर आप पूरा ढक देंगे तो भिंडी में लहसुन आ जाएगा। तो ये देखिए भिंडी को आप देख लेते हैं खोल के, और इससे आप इससे दो तरह के हो जाएगा कि अगर आप पूरी तरह से करेंगे तो ये इसमें लहसुन आ जाएगा, और अगर आप, मैं इसको इसलिए कर रही हूँ कि आधा ये आलू जो है पका हुआ है ये पूरी तरह से पक जाएगा। ये देखिए जैसे मैं इसको ढकी थी, ये देख सकते हैं आप, आलू भी पक चुका है। और इसको हल्का हल्का देखिए इसमें लहसुन है, ये भी अभी ख़त्म हो जाएगा। और ये देखिए इसको इस तरह से फैला लेना है, और गैस को धीमा ही रखना है, गैस को तेज़ नहीं करना है, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ एक चम्मच ही तेल डाली हूँ। ये देखिए हो चुका है, अब इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी एक छोटा चम्मच सब्जी मसाला, नमक स्वादानुसार, बस अब इसमें कुछ भी नहीं डालना है, और इसको इस तरह से चला लेना है। पाँच मिनट के लिए इसको इस तरह से फैला लेंगे, और 5 मिनट के लिए इसको इसी तरह से छोड़ देंगे, गैस धीमा ही रहने देंगे। 5 मिनट के बाद ये देखिए आप खुद भी देख सकते हैं कि इसका लहसुन ये ख़त्म हो चुका है। अब गैस को कर देंगे बंद, और एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप ये भिंडी ज़रूर घर पर बनाइएगा, और ये देखिए सिर्फ एक चम्मच तेल में कितना अच्छा बन के तैयार है भिंडी की सब्जी।